Assalamu alaikum everyone. A few days back I uploaded on my stories about these bread rolls recipe and everyone was asking ke iski recipe do. So yeah, I'm gonna share these yummy bread rolls. वैसे इनको ड्रैगन बॉल्स भी कहते हैं और मेरी मदर इनको कहती हैं क्रोल. Yes, seriously, she called them क्रोल. इसको बनाने के लिए हमें जो की एलिमेंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. सबसे पहले आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, फिर हमें चाहिए एक बैटर जो हम मैदे से बनाएंगे, और ये वेजिटेबल जो इसकी फिलिंग होगी. आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए, आपको ब्रेड चाहिए जिसकी साइड्स आपने उतार के उन्हीं के ब्रेड क्रम्स जो है आपने बनाने रहे. साथ आपको चाहिए चेडर एंड मोज़रेला चीज़. चलिए जी, अब देख लेते हैं कि हर एलिमेंट को हमने रेडी कैसे करना है. सबसे पहले आपको चाहिए एक गाजर, बंद गोभी, शिमला, एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च, और दो जबे लहसुन के जो मैं इस वक्त ऑयल में डाल चुकी हूँ. चलिए जी, लहसुन जो है वो मैंने ऑयल में डाल दिया है. अब इसमें मैं बारी बारी डाल रही हूँ सब्जियाँ. सबसे पहले जा रही है इसमें शिमला मिर्च. मुझे वैसे सबसे पहले शिमला मिर्च डालना पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले शिमला मिर्च को डालती हूँ. उसके बाद जाएगा जी इसमें प्याज. बस हल्का हल्का सौते करते हैं. चलो जी, प्याज तकरीबन हो गए हैं, हल्के से सॉफ्ट करते हैं हमने. अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी गाजर और जो हरी मिर्च. ठीक है, बंद गोभी को हम सबसे एंड पे डालेंगे. जी बंद गोभी डालने से पहले इसमें मैं डाल दूंगी सारे मसाले, और उसमें सबसे पहले जाएगा जी इसके अंदर ये है जी विनेगर 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ये है चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून, रेगुलर व्हाइट सॉल्ट 1 टीस्पून. इसको कर लेना है मिक्स. अब इसमें जाएगा जी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून. जी तो ये तरीके की ब्लैक पेपर, इसको भी कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स. अब इसके अंदर जाएगी जी 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, या आप शक्कर कर लें, शक्कर डाल दें ब्राउन शुगर, और फिर से इसको कर लेंगे मिक्स. अब इसमें जाएगी चिकन, ये डाल दी इसमें मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट के चिकन डाल दी. फिर कर लेना है मैंने, अब सबसे एंड में जाएगी इसमें बंद गोभी. बंद गोभी इसमें ऐड करके तो हमने बस इसको चूल्हा बंद कर देना है, इसको बस मिक्स करना है, और जितनी इसकी हीट है इसी में ये बंद गोभी जो है वो हो जाएगी. अब अगर यहाँ पर मौसम नहीं है मेरे पास तो स्प्रिंग अनियन अगर डल जाए तो वो बहुत ही मजे के लगते हैं, वरना इस तरह भी काम चल जाए. अच्छा जी, अब इस बैटर को आपने बाहर निकाल कर तो आपने इसको ठंडा कर लेते हैं. अब हम रेडी करेंगे बैटर. उसके लिए आपको चाहिए 1/2 कप मैदा, और इसके साथ हम थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के इसको वो पानी डाल के हम एक इसका बैटर बना लेंगे. बैटर हम इस तरह बनाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, यानी कि आपके जो ब्रेड रोल्स हैं उसके ऊपर कोटिंग जो है उसकी अच्छी खासी हो जाएगी. चलिए जी, अब ब्रेड क्रम्स को रेडी कर लेते हैं. उसके लिए आपको जितने भी ब्रेड क्रम्स चाहिए उसके अंदर आप थोड़े से तेल ऐड कर लें, उसमें हल्का सा उसमें नमक डाल लें, और दैट्स इट. इसमें कोई मिर्च नहीं डलेगी, ये सिर्फ इसी तरह ही बनेगा. और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, और अब इसकी असेंबली शुरू करते हैं. चलो जी, ब्रेड के किनारे उतार के कोशिश करें इन्हीं के ब्रेड क्रम्स बना लें. अब आपने ब्रेड को एक साइड से सिर्फ पानी में डालना है और उसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, एक्सेस वाटर उसका निकाल लेना है, और उसके दरमियान में आपने रखनी है फिलिंग. अच्छी खासी फिलिंग रखिएगा तो ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है. और फिलिंग रखने के बाद इसके ऊपर ही आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे, और इसको
चाहे तो जिस तरह मर्जी शेप दे ले, पर एक एग शेप जो है वो आइडियल होती है इसके लिए। तो इसको जब आप प्रेस करेंगे दोबारा तो इसमें से फिर एक्सेस वाटर निकलेगा, तो वो अपने पानी जो है वो निकाल देना है और इसको प्रेस करते जाना है और इसको एग की जो है वो शेप दे देनी है। इस तरह आप जहाँ से अगर कोई होल रह जाए तो आप उसको दोबारा रीशेप करके एक एग की शेप उसको दे दें। इसी तरह मैं सारे जो ब्रेड्स हैं उसके मैं रोल्स बना रही हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब ये सारे बन जाएंगे। चलें जी, अब इनको कोटिंग करने की बारी है। ये आप टोटली एडवांस एक दिन पहले बनाकर भी रख ले सकते हैं, थोड़ा सा काम लंबा है लेकिन दे आर वर्थ ट्राइंग। उसके बाद आपने इसके ऊपर सबसे पहले जो मैदे का बैटर है उसकी कोटिंग करनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसी तरह आप प्रेस करके सारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा दें और इसको हल्का सा झटक ज़रूर लें क्योंकि जितने एक्सेस ब्रेड क्रम्स होते हैं वो इससे उतर जाते हैं और दे आर जस्ट रेडी। चलिए जी, टाइम टू फ्राई देम। इनको आपने मीडियम हीट पे रख के आपने फ्राई करना है। थोड़ी मीडियम हीट पे रहेंगे तो ही ये क्रिस्पी बनेंगे और जितने क्रिस्पी होंगे उतने ही ज़्यादा मज़े के होंगे। सो यहाँ पर मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ एंड या दे वर सो डिलिशियस एंड वर्थ ट्राइंग रेसिपी है। इतनी कोई ख़ास महंगी भी नहीं है। आप चाहे अगर चीज़ आपको नहीं मिलती यू कैन स्किप दैट पार्ट, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छे होते हैं। आप इसमें चाहे तो थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड कर लें, इट विल डेफिनेटली गिव यू एन इफेक्ट ऑफ चीज़। और ये एक ऑप्शन है अगर आप ट्राई करना चाहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, होप यू ट्राई देम एंड इफ़ यू ट्राई देम डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अल्लाह हाफिज़।